हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष। अक्सर एक्टर्स अपने बर्थडे के दिन अपने फैंस एंड ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न तोहफा लेकर आते हैं, क्योंकि साल भर हम उनकी फिल्में, गाने, सॉन्ग्स, सारी चीज़ों को हम ढेर सारा प्यार देकर उन्हें आगे लाते हैं। तो इसलिए वो अक्सर अपनी बर्थडे के दिन अपने फैंस एंड ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ एक बड़ी अनाउंसमेंट करते ही हैं, फिर वो उनके गानों की, उनके फिल्म के पोस्टर की हो। तो जी हाँ, 16 अगस्त को सैफ अली खान जी का जन्मदिन था और उन्होंने अपनी फिल्म देवारा का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, जिस पोस्टर में हमने देखा उन्हें एक नए किरदार में। वो हमें भैरव के किरदार में नजर आ रहे हैं। उनके कैरेक्टर का नाम है भैरा, भैरा लग सुनने वाला भैरा नहीं, कैरेक्टर यानी कि भैरव, भैरव कैरेक्टर में वो नजर आने वाले हैं। और सैफ अली खान को रावण के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था, तो शायद सैफ अली खान ने ये बात अपने दिल पे ले ली है और एक नए कैरेक्टर की तरफ निकल चुके। कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर उन्हें जस्टिस दिलाएगा रावण के बाद, क्योंकि रावण में उनके लुक को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, लेकिन इस फिल्म देवारा के जो उनका कैरेक्टर भैरा, भैरव यानी कि उसका कैरेक्टर, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। पोस्टर पर लोग भर भर के तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर के हिसाब से कैरेक्टर पकड़ा है वो शानदार नजर आ रहा है। अक्सर जब भी आप कोई बायोपिक करते हैं, जब कोई किरदार करते हैं, तो उसकी कास्टिंग उस इंसान को देख कर की जाती है कि वो कहीं ना कहीं फिट बैठता है कि नहीं। अगर बात करूँ मैं बेस्ट कास्टिंग की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस धोनी के अंदर में, जहां सुशांत सिंह राजपूत की कास्टिंग की गई थी, कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि एमएस धोनी है या सुशांत सिंह राजपूत है। रिसेंटली वीर सावरकर जी के ऊपर में एक नई बायोपिक आ रही है, जहां पर हमें रणदीप हुड्डा नजर आएंगे। आप दोनों की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, आपको समझ भी नहीं आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर में भी बायोपिक आ रही है, आप अनुपम खेर को देख लीजिए और उन्हें देख लीजिए। तो कुछ इसी तरीके की कास्टिंग ऑडियंस और फैंस हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलीवुड हमें दे, लेकिन फिर आदि पुरुष जैसी लाकर राम, रावण, सीता और लक्ष्मण हमें ऐसे दिखा देते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। लेकिन बीइंग एन एक्टर, ये एक्टर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फैंस एंड ऑडियंस को हमेशा खुश रखे और अपने कैरेक्टर को जस्टिस या न्याय दिलाए। तो जी हाँ, भैरा देवारा जो फिल्म है उसके अंदर में हमें सैफ अली खान भैरा कैरेक्टर में नजर आएंगे और पोस्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। उनके लंबे बाल और वो एग्रेशन और वो थोड़ा कहीं ना कहीं डस्की सा लुक जो हमें नज़र आ रहा है, फैंस को बेहद ज़्यादा पसंद आ रहा है। और शायद लेट हो गया, फिर भी सैफ अली खान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।